अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, आज हम इस्लामियत का दूसरा चैप्टर करेंगे, गारे हिरा में खलवत नशीन। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, उसका बुक वर्क करेंगे और इसका जो है कॉपी पे काम करेंगे। इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपने बुक्स आई होप ओपन कर ली होंगी, पेज नंबर 43। इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के लोगों की बुत परस्ती और बुरी अदा देख कर कम ज़्यादा रहते थे। उन लोगों ने खाना काबा में जगह जगह बुत नस्ब कर रखे थे। नस्ब कहते हैं खड़ा करना, और उनको सजदा करते थे। मक्का मुकरमा से तकरीबन 500 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ की चोटी पर एक गार है, जिसे गारे हिरा कहते हैं। ये गार जबले नूर में वाक़िया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हिरा में तशरीफ ले जाते और वहाँ अल्लाह तआला की इबादत करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम कई कई रोज़ गारे हिरा में रहता, इसलिए आप खाना भी साथ लेकर जाते थे। आप सल्लम गारे हिरा में ही थे कि आप सल्लम पर सबसे पहले वही नाजिल हुई। उस वक्त आप सल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी। वही कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आना। गारे हिरा में हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम पर वही लाए। आप सल्लम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु के पास वापस तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने के पूछने पर आप सल्लम ने वही की सारी कैफियत बयान की। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लम की नबूवत की शहादत दी। इस तरह आप सल्लम ने सबसे पहले ईमान लाने का शर्फ हासिल किया। तीसरा का चैप्टर गारे हिरा में खलवत नशीन, यानी वो गारे हिरा में वहाँ पर अकेले रहती थी, जिस फिर उन पर एक वही नाजिल हुई जो हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम लेके आए थे, और वही के लाने की जो दूसरे पे कैफियत थी उनको बयान किया गया कि वो हजरत खदीजा के पास वापस आया और उनसे कहा कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, और उनको ये शहादत नबूवत शहादत को नहीं हुई थी। और आपने ये करना है, ये करने के बाद पे नंबर 43-44 पे सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लेना है, ये आपने करना है। तीन ऑप्शन थी, मुझे सही वाला ऑप्शन होगा उस पर आपने टिक कर देना है। सवाल नंबर 3, सबक की मदद से खाली जगह पुर करें। सबक को दोबारा से रीड करना है और इन खाली जगह को दोबारा से मदद से फिल करना है। उसके बाद आपने कॉपी वर्क स्टार्ट करना है, अपना लेसन का नाम लिखना है, सबक गारे हिरा में खलवत नशीन, उसके टॉपिक्स हैं यानी उनवान है उसके, पढ़ाई मुख्तलिफ सवाल, इन छह सवाल और मशरी काम किताब पर जो कि मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, पेज नंबर 44 पे दरुस्त जवाब में खाली जगह। उनवान लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पेज रेडी करना है मुख्तसर सवाल के लिए, और हम मुख्तसर सवाल अपने लिखते हैं। हेडिंग दे लें ऊपर उसकी, फिर लिखना शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, गारे हिरा मक्का मुकरमा कितने फासले पर वाक़िया है? जवाब, मक्का मुकरमा से 5 किलोमीटर के फासले पर गारे हिरा वाक़िया है। सवाल नंबर 2, आपने फिल्म पर पहली वही कहाँ नाज़िल हुई?
लगा लेते हैं। आपको ये सवाल पढ़ देंगे। सवाल नंबर एक, गारे हिरा मक्का मुकरमा से कितने फासले पर वाक्या है? मक्का मुकरमा से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर गारे हिरा वाक्या है। सवाल नंबर दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई? सवाल नंबर तीन, हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के लोगों को देखकर क्यों गदगदा रहते थे? हजूर अकरम अरब के लोगों की बुत परस्ती और बुरी आदत देख कर गमजदा रहते थे। थ्री क्लास ये करने के बाद एक्सपीरियंस रेडी करना है आपने इंशाइया सवालात के लिए, उस पर हम इंशाइया सवालात करते हैं। थ्री क्लास के इंशाइया सवाल करते हैं।
सवाल रिपीट कर रही हूँ। सवाल नंबर एक, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही के नज़ूल की कैफियत किसको बताई? जवाब, आप पहली वही के नज़ूल के बाद हज़रत खदीजा के तरानों के पास तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो। हज़रत खदीजा के तरानों ने उनके पूछने पर आप ने वही की सारी कैफियत बयान की। सवाल नंबर दो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के लिए कहाँ तशरीफ ले जाते? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारे अल्लाह ताला की इबादत की गर्ज से तशरीफ ले जाते और वहाँ कई कई रोज़ तक क़याम करते, इसलिए आप अपना खाना भी साथ ले जाते। थ्री क्लास, ये था आपका चैप्टर, ये कंप्लीट हो गया। दिसंबर में यहाँ पे आपके कॉपीज में नोट डाउन कर लेना।